तो गाइस अभी हम एक फूड व्लॉग शूट करने जा रहे हैं। बेसिकली मैंने थोड़े दिन पहले एक रेसिपी देखी थी, चिकन विद सोया सॉस एंड हनी। ठीक है, सुन तो सही, बात ही चक्कर है। लेकिन वो हम सोया पनीर के साथ बनाएंगे। ओके ठीक है, टोफू लाए हूँ तो हम टोफू के साथ वो बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टोफू के दो वाइट गोया सोया वाइट गोल्ड सोया पनीर। तो अभी हम इसको तो काट के बॉईल करने रख देंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद बाकी रेसिपी है। उसमें गार्लिक वगैरह चाहिए होगा, थोड़ा सा हनी चाहिए होगा और सोया सॉस चाहिए होगी जो कि हमारे पास है। ये थोड़ी डार्क कर लिए तो कम डलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। विक्ट्री फॉर इकू। बन जाएगा, बन जाएगा, टेंशन क्योंकि आधी डिशेज में तुक्के से ही बनाता हूँ और टेस्ट होना चाहिए। लेकिन वो यार, वो डिश जो बनाई थी ना, मतलब देखी थी मैंने, उसमें था कि वो यूज़ कर रहे थे चिकन ब्रेस्ट पूरी। अब वही है कि फ़र्क तो आएगा टेस्ट में, बट लेट्स सी कि कितना फ़र्क आएगा। अभी डाइट भी हो जाएगी अपनी। अगर ये मेरी बर्फ यार, ये फ्रिज का बड़ा काम खराब है, जमा कर देता बर्फ हो गया। देखो भाई, काम होने से पहले अड़चने आती है इसको। अभी से कुछ किया है नहीं, इसको अड़चने पहले आ रही है। BTS भी दिखाएंगे आपको पूरे शूट का। कभी तुमने खाया नहीं होगा। गाइस ऐसे आपको देख के लग रहा होगा कि इसने किचन में कभी हाथ भी नहीं लगाया है। नहीं, ये बर्फ, ये एक्चुअली बर्फ हो गई है ना। अच्छा। तो इसलिए इजीली काट रहा हूँ। क्यों मतलब इतना कष्ट देना अपने आप को जब आप दिमाग लगा के थोड़ा आराम से। ब्रो, कांट वी डू डायरेक्टली इन बॉइल वाटर देन आफ्टर कटिंग? क्या हम इसको नहीं, मैं पूरा चाहता था ना कि पीसेस जो है ना उसके अंदर तक ऐसे जाए, ऐसे आउटर आउटर जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है भैया। ओके, ये डन। तो गन साइड पे करो। क्या चपनी चाहिए आपको? दो रुपए की चीज बर्बाद कर रही हो तुम। डस्टबिन कहाँ है? डस्टबिन भी दिखाऊंगा मैं आपको। डस्टबिन की हालत बड़ी खस्ता है। और ये मैं हूँ, सब मेरे को कमजोर कमजोर बोल रहे हैं। क्या चाहिए? मैं प्याज गिरना डाल रहा हूँ। एक बड़ा है, ज्यादा खाएगा कम खाना। प्याज भाई देख लो, प्याज अच्छी चीज है, खाने वाली चीज है। इट बूस्ट योर एवरी ड्राइव। चल जो भी है। और यहाँ पे बॉईल देखना क्या हो रहा है हमारा, पानी। ठीक है गाइस, पानी के अंदर हम क्या डालेंगे? ये सोया डाल दे। गाइस कौन से है, 300 ही सोया है। गाइस यार तुम फॉलो ही नहीं करते यार इसको, तभी बेचारा एक एक घंटे एक एक साल बाद वीडियो डालता है। फॉलो करो और बढ़ाओ सब्सक्राइबर, फिर डालूंगा। ऐसे मेरे को गूगल एड एडवर्टाइजमेंट यूज करने वाली है। और क्या, ऑर्गेनिक तो बढ़ाओ यार, 500 रुपए ऐसे मेरे खर्च आते हैं। गाइस भाई को कसम से उस मुकाम तो पहुंचाओ दैट हाइट्स विदाउट वीडियो डाले, फिर मैं रोज डालूंगा। सीधा इसको जैकलिन घर पे इनवाइट करे सोया पनीर बनाने के लिए। ये नहीं दिखा, घर पे तो बता बन रहा है नहीं है। ओके, जस्ट सी दैट चॉपिंग ऑफ अक्रोश। ये क्या चॉपिंग है भाई, बस इधर आके ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बाकी ठीक है। कैन आई शो दैट माय चॉपिंग स्किल्स? या ब्रो, यहाँ पे ब्रदर फाड़ी हो गए। देखें कर, अब तो भी दिखा दे, अगर दिखाना है। चॉप्स ही नहीं करते तुम फ्रॉम दैट साइड। अरे ब्रदर की शक्ल तो देखो, बस खून ही निकलना चाहिए, बाकी ठीक है। ऐसे लग रहा था ढाबे में ही काम करते थे पहले, है नहीं? और नीचे। अरे पानी ज़्यादा उबल गया जो, चाकू चुकू तेज ही होना चाहिए। पहले इधर चाकू ऐसे होता था कि कटता ही नहीं था, मुंडी बढ़ने वाले चाकू, मुंडी छोड़ के सबको बढ़ा देता है ये।
भाई इसको डाल दिया ठीक है, ये टाइम लगता है, सीधी सी बात है, 4 मिनट हो भी गए हैं, ऐसा मैं बोलता हूँ 2 मिनट का ब्लॉग डालता हूँ और 4 मिनट अभी इसको भी डाल दे ठीक है। और मम्मा आपने गार्लिक लाया था ना, हाँ चलो मिल गया। ये लहसुन वाली चीज़ें ना होती मुश्किल है, नहीं हमारे लिए तो सब इजी है, तो फिर हो ही लहसुन ये ना, इसके कोई डाल देंगे 6-7 डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, चल 4 डाल देना। देखो इंडियन किचन में यही हाल होता है, सबसे पहले आप तुक्के लगाते हो, हम कोई ऐसा थोड़े होते हैं, हमारी पहले बताना हमारी कौन सी होती है कि आपको बटर पनीर बनाना है तो 2 चम्मच ही मिर्च डालोगे, 3 चम्मच ही नमक डालोगे, उधर ढाबे में जाएगा उधर पहले डालते डालते चढ़ते ना ऐसे उंगली डाल के ऐसे चाटते हैं वो, फिर पता चलता है वहाँ स्वाद बराबर है नहीं है। और अंग्रेज बोलते हैं सारी डिश बनाने के बाद, ये कम रह गया है भाई, आई थिंक पीटर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द डिश, यू नीड टू मेक इट अगेन। इससे अच्छा भाई जब तुम मसाले डाल रहे हो तभी देख लो कि नमक कम है या नहीं है, फिर बाद में खाने वेस्ट करेंगे नमूने। ये भी हाँ सॉफ्ट हो ही गया तकरीबन, आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज दिस पैन जो कभी जमाने में नॉन स्टिक होता था। देखो हम भाई घी शी खाने वाले बंदे हैं, तेल दूर खाते हैं, घी हैंगे अमूल का क्योंकि घर का घी खत्म हो गया है, अमूल का घी लिटरली बहुत अच्छा होता है, अच्छा होता है, मेरे को टेस्ट सही लगा इसका। बस इसको छोड़ देंगे अभी बंद, ये ऐसे ही पानी में रहेगा ताकि आराम आराम से सॉफ्ट होए, ऐसे ये ब्रेक डाउन आता है, अभी इसको उधर ही फेंक दे फिर ऑन है यार गैस ठीक है। अभी इतना ही डालते हैं, नहीं एक और डालते हैं, बस 4 चम्मच टाइम लगता है चीज़ों में ठीक है, बिल्कुल मस्त। अरे उसको ना कम कर, क्लोव को ना, क्लोव को नहीं प्याज को कम कर थोड़ा सा, ये काटना आता है तेरे को, ये गार्लिक, गार्लिक को क्या बोलते हैं हिंदी में, लहसुन। अच्छा यार कितनी बार बोल दिया तब भी मैं देखा है ना मुन्ना हूँ, लहसुन आती है लहसुन से, अरे लहसुन का काटने का तरीका बड़ा खतरनाक होता है, तो हमारा वाईफाई भी नहीं चल रहा है, चलता है ना जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं तक। भाई ये वाला टेक्निक दिखाइयो इनको, ये ऐसे देखी थी मैं ऑनलाइन टेक्निक, ये क्या इसको मोटर को बंद करना पहले तो, ये टेक्निक इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए गाइस, चाहे आप व्लॉग में देखो लेकिन अपने घर में ही ट्राई करना, बाहर मत बताना। बस ये देसी टेक्निक है बाकी, क्या है मम्मा इको का नाम क्यों आया फिर बीच में, चलो चलो कॉपीराइट नहीं लेना यार हमने तुमको, ज्यादा ओ यार तू पीछे बोला था देखने को क्या कर रहा है अब, ये बाबरची में रुके तुम, ये फ्लेम बनाएगी, रुकना इसको ऑन कर मत यार, एक रूल किचन का सबसे पहला इधर दिखा दे इनको, पंखा वाला हमेशा ऑन रखना, अब जिसके घर पे पंखा ही नहीं होगा क्या चलाएगा। नहीं ये होता है सबके घर पे चिमनी होती है, आजकल हमारे जैसे के लिए यही होता है, ये कसम से आग लपटे पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी लपटे मैं बोल रहा हूँ ना यार, ये बंद करना पड़ेगा लेकिन शोर बड़ा है, कोई बात नहीं कॉपीराइट नहीं लगता टेंशन में। कैन आई मेक फ्लेम, नहीं फ्लेम बनानी स्पेशली बावर्ची वाला, हो गया ब्राउन तो ऐसे ही हो गया 2 मिनट में, डाल 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 प्यार डाल, लेट्स मेक इट फ्लेम, wait 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 guys I will do that, you make flame and zikri flame bahar nahi kar raha na kutte nahi lani se, acha pichho yahan to isko band kar de andar chale jayegi,
पता है क्या सीन था हमारे पास शायद ना इधर हाँ ये बड़ा हुआ है भाई ये शायद है मैं तेरे को बताता हूँ सब फ्लेवर ही तो इन दो चीज़ का फ्लेवर है भाई इधर इन दो चीज़ का फ्लेवर है बस हाँ एक गलती हो गई मेरे से पता है उसमें ना चिकन को मैरिनेट किया था अभी आगे मसाले वाला था इसलिए मैंने नहीं किया जिसके पास प्लेन हो ना वो मैरिनेट करेगा ठीक है गाइस मैरिनेट कर दियो आक्रोश भैया बोल रहा थोड़ा नमक में इसमें पहले ही डाल देते हैं बस वैसे थोड़ा सा ही डालना थोड़ा ही डालना है क्योंकि हम तो इतनी मिर्च खा लेते हैं ये भी बढ़िया उसके बाद एक पता है गरम मसाला क्या डाल रहा है दिखा दिखा ना लोगों को ये यार देखो गरम मसाला है कहाँ गया हाँ ये गरम मसाला उसको नहीं ना कर चुर 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 रहेगा गरम मसाला इधर दिखाना तो मेरे से गिर गया मैं दिखाता हूँ इधर दिखाओ ये गरम मसाला ये हमारी किचन की ये दिखाओ ये गरम मसाला ये मिर्चा ये नमक है ठीक है गाइस अगर जिसको पता नहीं हो नमक व्हाइट कलर का होता है मिर्च लाल कलर की होती है ये गरम मसाला इसी कलर का होता है ठीक है गाइस अगर फिर भी ना पता लगे तो टेस्ट करके नमक नमक जैसे लगेगा आंटी का फोन आ रहा है फोन उठाइए हेलो अभी वो चला गया हुआ है उनके उसके घर से फोन आ गया हुआ है तो हम लगाते हैं कैमरे को वापस इधर सेट और करते हैं सोया सॉस का यूज़ और इसका हनी का यूज़ तो बेसिकली सोया सॉस जो है ना हमने डालनी तो है रुको उससे पहले ये टोफू है ये डालेंगे इसमें थोड़ा सा ठीक है अरे तुम कैमरे में खराब करो अच्छा आओ ना कैसी बात करो अपने घर है मेरे को पैर भी बड़ी दर्द है अब जब तो मिल जाए साथी तो होगी बर्बादी मेरे को लग रहा बर्बादी ही होगी ये खाने में नहीं आई थिंक टेस्ट तो आना चाहिए तुम खाएंगे भाई क्यों नहीं खाना था ये अब दिखाए जरा ये सॉस कितनी डाली है इसको दोबारा कैमरे को ऐसे करके दिखाऊं नहीं नहीं तो गाइस आज हम देख जाते हैं आपको और ये भाई साहब क्या डाल रहे हो एक ढक्कन और ये दो ढक्कन कैमरे पर सोया सॉस कैसा रख रहा है ये मतलब क्या दिखा रहा है शायद मैंने डाल दिया सोया सॉस डाल दिया है शायद तो थोड़ा टाइम लगेगा सब मिक्स होने में अभी हम इस सबको मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के ये कर देंगे बंद ताकि ये थोड़ा इनरिचिंग फ्लेवर हो जाए इनके सोया पनीर के अंदर देखो सोया पनीर ऐसे मेरे को भी पता है इतना सही नहीं लगता है बट थोड़ी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं है देखो तीन चार चम्मच तो दिन में आप आराम से घी खा भी सकते हो इतना कोई बड़ी बात नहीं है तो अभी यही काम करेंगे इसको थोड़ी देर बंद कर दूँगा ये कर दिया अभी बंद कलर भी देखो ऐसे गोल्डन गोल्डन कलर हो गया लेट मी जस्ट टेस्ट टेस्ट इट यस फोन क्योंकि वो थोड़ा ना देखो मैंने सबको बताया था कि ये टेस्ट अच्छा है अब तू थोड़ा सा ना ये ले चम्मच ये वाला और इसे थोड़ा सा वो शुगर मतलब जो इसका मसाला है थोड़ा सा ऐसे टेस्ट करके देखियो अभी टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा वो सोक होने बाकी ऐसे टेस्ट करके देख मेरे को तो सही लगा नेचुरल शुगर है सब नेचुरल है इतना सा चावल लेके भी बंदा खा सकता है नहीं अच्छा मतलब मील है अच्छा ये हो गया ना पक गया ना ये इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना बस निकाले फिर चलो फिर वो ले आ वाइट वाले बहुत और उसमें डालते हैं गंद बड़ा पड़ गया वाले उस ये वाले वाइट वाले दोनों लगाना ये शीशे वाला नहीं निकालना इसको छोड़ वो दोनों प्लास्टिक वाले हाँ है ये निकाल टेढ़ा घुसा दिया किसी ने
क्या पहले सारा एक मिनट आ रहा है? ये हमारा कॉम्बिनेशन सोया सॉस और फॉर्चून रिवेरा के खाने के बराबर। नाइस नाइस। ये टेस्ट करो पहले, बताओ। नहीं मैं नहीं। थोड़ा सा ऐसे मसाला टेस्ट कर लो, बताओ तो सही कैसे है। सर रिएक्शन वीडियो। यम्मी। वेरी टेस्टी। ठीक है खा लो। नहीं खा लो, मिंदी गड़प नहीं कर दी। ठीक है ओके। सो हमने वो सोया पनीर वाला खा लिया हुआ था, इट वाज रियली नाइस। एंड वो हनी का जो था ना फ्लेवर, वो बहुत ही अच्छा टच दे रहा है। इट वाज जस्ट टेस्टिंग लाइक वो हनी चिली पोटैटो होते हैं ना जो, वैसा टेस्ट कर रहा था। सो अभी मतलब लेट हो गया हुआ, तो आई जस्ट फील्ट लाइक ड्रिंकिंग समथिंग। सो ये कोको कोला की जीरो शुगर ड्रिंक ले रहा हूँ, और आई विल प्रोबेबली वॉच समथिंग ऑन हॉटस्टार। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आई विल ट्राई टू मेक मोर लाइक दिस। सो कीप सपोर्टिंग, और सबको बोल रहा हूँ कि शेयर वगैरह कर दो ताकि और रेगुलर आएंगे व्लॉग फिर। सो हैव अ गुड नाइट।